वर्तमान आम बुझा उद्भिद पोषण बा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तो उद्भिद किपरि खाद्य प्रस्तुत करिथाए बा उद्भिद किपरि खाद्य ग्रहण करिथाए देख आम जानिछु जे सबुज उद्भिद हेउछि स्वभोजी श्रेणीर अर्थात सबुज उद्भिद निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारे खाद्य पई से अन्य जीव उपर निर्भर करे नाही तो जेउ प्रक्रिया रे सबुज उद्भिद निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिथाए ताहाकु आलोकश्लेषण प्रक्रिया बा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोली कहा जाए। एही वीडियो रे आमे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बा आलोकश्लेषण प्रक्रिया विषय रे डिटेल आलोचना करिबा तो वर्तमान हेडिंग लगाओ आलोकश्लेषण प्रक्रिया। आलोकश्लेषण प्रक्रिया इंग्लिश रे कौन कहा जीवो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जेउ प्रक्रिया रे सबुज उद्भिद निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिथाय ताहाकु आलोकश्लेषण प्रक्रिया बोली कहा जाए किंतु ये हूँ गोटे ओल्ड डेफिनेशन माने पुराणा संज्ञा वर्तमान आउ एही संज्ञा कार्यकारी करिवो नाही। ये संज्ञा काम करुथिला केतेबेले ना जेतेबेले आमे षष्ठ सप्तम श्रेणी रे थिलु वर्तमान आमे दशम श्रेणी रो छात्र बा छात्री तेणु ए संज्ञा आउ काम करिवो नाही। वर्तमान आलोकश्लेषण प्रक्रिया रो नुआ संज्ञा बाहरिछि कौन ना जेउ प्रक्रिया रे सबुज उद्भिद दिन बेले माटी तळु जल एवं वायुमंडल रु अंगारकाम्ल ग्रहण करी से द्वयर संयोग घटाई सूर्यालोक एवं हरित कणार उपस्थिति रे श्वेतसार जातीय खाद्य बा शर्करा जातीय खाद्य बा कार्बोहाइड्रेट जातीय खाद्य प्रस्तुत करे एवं वायुमंडल को अम्लजान एवं जलीय बाष्प निर्गत करे ताहाकु आलोकश्लेषण प्रक्रिया बा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोली कहा जाए। बुझीला चलो मु तुमको भल भाव बुझाई चेष्टा करुच्ची टी धरा जाऊे आम पाखे गोटे सबुज उद्भिद अच्छी सबुज उद्भिदर चेर एमती मटी तलू जाए ना चेरर काम कौन ये मटी तलु खनिज लवण आ जल शोषण करें शोषण करी कौन कै उद्भिद को जगाए ना तो वर्तमान एठार अच्छे आम पाखे सूर्य सूर्य पाखर आमको सूर्य किरण मिलना तो देखो गछर तो बहुत गुड़ा पत्र थाए किंतु मुठे गोटे पत्र चित्र अंकन करुच्ची कहीं पत्र ही आमर आलोकश्लेषण प्रक्रिया संपादित हे बुझिपाल ना पत्र हूँ गछर रोसई घर तो यही ही खाद्य प्रस्तुत होता है। बहुत गुड़ा पत्र मुझे ना कहीं सब पत्र ध्यान दे हम ना गोटे पत्र को मुझे जूम करदे एठार बड़ करदे यही पत्र कौन होमती खाद्य प्रस्तुत होमें देखी नवा नुहे कि ये हूँ आमर गोटे पत्रर स्ट्रक्चर एमती होता है ना पत्र तो देख ये हूँ आमर पत्र तो पत्र कौन करे ना दिन बेले सूर्य किरण को धरी आने सूर्य किरण ग्रहण कला वायुमंडल रु ग्रहण कला कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल CO2 गैस बुझीला चेर द्वारा माटी तलु शोषण कला जल माने H2O बुझीला तो ग्रहण कला कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य किरण आउ जल हरित कण आउ सूर्य किरण को लगे कि सी तैयारी कला श्वेतसार जातीय खाद्य बा कार्बोहाइड्रेट आउ वायुमंडल को कौन छाड़देला वायुमंडल को छाड़ा ऑक्सीजन माने ओ टू आउ कौन छाड़ला जलीय बाष्प माने H2O गैस H2O एटा गैस आकार रे बाहर जीव जल बुझीला ना लिक्विड आकार रे जीवनी गैस आकार रे बाहर जीव वायुमंडल को चलो नेला कौन कार्बन डाइऑक्साइड आउ जल छाड़ा कौन ऑक्सीजन आउ जल तो जल नेला जल छाड़ा बुझीला तो यही जो कंप्लीट प्रोसेसटा रोचे या कहो आलोकश्लेषण प्रक्रिया बा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बुझीला ना तो ये एत सहज नुहे या भितर आहरी बहुत जिनस अच्छी सबको आम धीरे धीरे बुझा बुझीला ना चलो बर्तमान आम आलोकश्लेषण प्रक्रिया डेफिनेशन लिखि नवा लेख जेउ प्रक्रिया सबुज उद्भिद माटी तलु जल एवं वायुमंडल रु कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करी सूर्यालोक ओ हरित कणार उपस्थिति रे सूर्यालोक ओ हरित कणा बा क्लोरोफिल हरित कणार
उपस्थिति रे शर्करा जातीय खाद्य प्रस्तुत करे, शर्करा जातीय खाद्य प्रस्तुत करे एवं वायुमंडल को अम्लजान और जलीय बाष्प मोचित करे, वायुमंडल को अम्लजान और जलीय बाष्प मोचन करे, ताहाकु माने सही प्रक्रिया को आलोक श्लेषण प्रक्रिया कहा जाए, आलोक श्लेषण प्रक्रिया कहा जाए। बुझेला केमती लगला डेफिनेशन टा? बढ़िया लगला। चलो वर्तमान आम बुझा जे हुए कौन एटी वास्तव रे, सेतिपई हमकु जानिया पई पड़िबो जे गछर आधार आ संस्था कौन, आलोक श्लेषण प्रक्रिया हबा पई एठारे आधार आ संस्था कौन, आधार आ संस्था बुझी पारछो कि? जेमती कि देखो मु जो काम करूची माने मु तुम मानन को पढ़ाऊची, मो पई आधार कौन, ए रूम होची मो पई आधार, बुझियाला ना? आउ मो संस्था कौन, संस्था हूँ एठारे मोर व्हाइट बोर्ड आउ मोर ए मार्कर, मार्कर पई काली भी मु रखी, आउ मोबाइल फोन आउ ए ट्राइपोड भी अच्छी धरिकी रखी, तो ये हूँ मोर संस्था। से भाया देख तुम जो रोष घर अच्छी, रोष घर तुम खाद्य प्रस्तुत करा, तो पूरा रोष घर टा हूँ तुम आधार, आकी संस्था हूँ तुम कौन ना चूली हाँ कई खुशुणी चटु बड़ चामचटा को कहते चटु एपटे, तुम कौन कहते मुझे जानी। चलो तो बर्तमान ये सब जिनस आमको दरकार, बुझीला ना? तो ये आलोक श्लेषण प्रक्रिया संपादन करने आधार हूँ आमर किए पत्र, पत्र हूँ आधार, संस्था कौन आम जाने जानापी कौन करवा ना पत्र भितर को जी आखि पूरे देखा जे कौन अच्छी संस्था हूँ कौन ता भितर, बुझीपार कि नहीं? चलो एबे लेख आधार ओ संस्था, संस्था तो आधार किए एठारे आलोक श्लेषण प्रक्रिया पत्र, पत्र हला संस्था कौन कौन से विषय देखिबा, बुझीला? ए पत्र को धरी आण, ए पत्र आमर एमती जाए ना पत्रटा, पत्र चित्र मु कर दूची एठारे, ये हूँ आमर एमती पत्रटे हला। तो पत्र को भल भाव तुम लक्ष्य कर कौन कौन सब जिनस अच्छी एठारे। तो प्रथम कथा हूँ ये जिनसटा जेटा कि तुम डाल सहित लगी थाए या डेम्फ बोली कहा जाए, डेम्फ बा इंग्लीश पिला माने आकु कहउचंती स्टॉक, बायोलॉजिकल लैंग्वेज रे आकु कौन कहा जाउची पेटियोल, 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 बुझियाला? वर्तमान देख ये जो धार गुड़ा अच्छी आपको कहा जाए लीफ ब्लेड, पत्र धार, ये कौन कहा जाए पत्र धारक, पत्र धारक बा लीफ ब्लेड। देख ये जो मझीरे गोटे जिनस जाइए तुम बाड़ी भाया सब पत्र एमती मझीरे जाए या कौन कहू किड रिब, मिड रिब मझी बाड़ी, बुझेगा? तो ये जो मिड रिब या भितर कौन थाए, या भितर थाए जाइलेम आउ फ्लोएम टीस्यू, जाइलेम आउ फ्लोएम टीस्यू, तुम जान जाइलेम आउ फ्लोएम टीस्यू कौन, क्लास नाइन में आम टीस्यू विषय पढ़ला बेले मुझ तुमको बुझे दी। जाइलेम टीस्यू कौन करे ना माटी तलू जल संग्रह करके आणिक पत्र पाखे पहुँचाए, गच्छ रोसे करना पत्र को पानी दरकार, तो पानी किए किए आणव कौ टीस्यू आणव जाइलेम टीस्यू, तो ये जाइलेम टीस्यू जाए जल नहीं दब बोली, बुझीला ना हेलानी? पुणी फ्लोएम टीस्यू भी थाए, ए फ्लोएम टीस्यू कौन कर ना ये खाद्य प्रस्तुत हो सारा पत्र से फ्लोएम टीस्यू फ्लो कराइद चार खाद्य को माने खाद्य को गच्छर प्रत्येक अंश को लेकिन जीवार काम किए कर फ्लोएम टीस्यू। से भाया देख ये देख जो नेटवर्क भाया जिनस तुमको देखा होला मिड रिब्रु जो गुड़ा बाहर ये सब जिनस या कौन कहुए जान या कहुए सीरा पत्र सीरा बा भेन, बुझीला? जमीक आमर सीरा धमनी थाए ना से भाया सीरा
ये भी आमर जाइलेम आउ फ्लोएम टिश्यू द्वारा गठित। जाइलेम आउ फ्लोएम टिश्यूर काम तुम्हें पूर्वर जाच। जाइलेम काम हो जलर पर, फ्लोएम टिश्यूर काम हो खाद्यर पर बुझीला। देख ये जो पत्र तुम्हें फ्लाट सरफेस देखुच ना, व्वैड सरफेस और फ्लाट सरफेस, या कहुए लामेला। कौन कहुए लामेला, बुझीला। चलो बर्तमान आम पत्र को आउ टे भितर देखा। पत्र कौन थाए आम जिते जूम करके देखा अणुवीक्षण जंत्र साहाज्यरे पत्र एमती आमको कणा कणा जिन सब देखा। ये कणा कौन पुणी ये कणा गुड़ा हूँ स्तोम बा स्टोमाटा, या कौन कह जाए स्तोम बा स्टोमाटा। स्टोमाटा यही स्टोमाटा बा छिद्र मध्य देखी पत्र को अंगारकाम्ल आउ अम्लजान जलय बाष्प इत्यादि आदान प्रदान होता है। माने भितर को जीव अंगारकाम्ल बाहर किए अम्लजान आ जलय बाष्प एसबू ए स्तोम भितर देखी जावासवा करती बुझीला। तो बर्तमान आम कौन करवा ना पत्र को काटिद कटा पत्र को टी आसवा आगे जूम करके देखा। तो देख ये हूँ आमर कटा पत्र, पत्र को मुझे काटिदे अधा कर दे एमती रमर पत्र है। ये हूँ पत्र कटा अंश एम जी। चलो ठीक अच्छे ये हूँ आमर स्तोम कणा कणा ये हूँ आमर स्तोम बा स्टोमाटा बुझीला। तो यही छिद्र को आम कौन कहवा स्तोम बा स्टोमाटा बुझीला। तो देख पत्र कटा स्थान को जदि आम अणुवीक्षण जंत्र साहाज्यरे जूम करके देखा बाटे बड़ करके देखा तेबे आमको पत्र भितर अंश सब भल भाव देखा। आम जापर पत्र केमी तैयारी वास्तव में देख आमको एमती जिनस सब देखा पत्र भितर एमती सब जिनस आमको पत्र भितर बढ़िया बढ़िया जिनस देखा। देख तले भी आमर सेमती थ ये रहा आमर पत्र अंत गठन माने भितर चित्र एम सब जिन ये सब बड़ बड़का टीस्यू ये भी टीस्यू ये भी टीस्यू सब अच्छी एमती बुझीला। तो देख ये जो फांका जगह अच्छे ना या भितर दे कि तुम कार्बन डाइऑक्साइड जीवो आउ ऑक्सीजन बाहर को आसीबो माने ये हूँ स्तोम बुझीला ना। पत्र को आम जूम करके देखू भाया जिनस आमको देखाला। तो देख ये लंबा लंबा स्तंभ आकार टीस्यू तुम्हें देखिपारुच यही टीस्यू गुड़िक हूँ पालिसेड पारेनकाइमा एगुड़िक वर्ण हो सबुज वर्णर बुझीला। तो ये जिनस कौन ना पालिसेड पारेनकाइमा लिखिदि पालिसेड पारेनकाइमा। देख गोल आकृतिर जो तुमको टीस्यू देखा ये सब टीस्यू होमर स्पंजी पारेनकाइमा। कौन एगुड़ा स्पंजी पारेनकाइमा लेख स्पंजी पारेनकाइमा। बर्तमान देख तुम्हें भावुथ ये जो ऊपर अंश गुड़ा कौन ये जो आयताकृति अंश गुड़ा अच्छी एगुड़ा कौन। देख ये भी गोटे प्रकार टीस्यू ये हूँ आवरणी टीस्यू बोली तुम्हें कहीपर पत्र या आम कह एपिडर्मिस एगुड़ा सब कौन एपिडर्मिस एपिडर्मिस एपिर अर्थ होर डर्मिस अर्थ हूँ आवरण बा चमड़ा। तो ये हूँ ऊपर चमड़ा। देखो गच्छर जो पत्र अच्छी ना या गोटे वाटरप्रूफ लेयर दरकार ना पानी ता भितर को गली चल जीवो। तो से ये सब हूँ वाटरप्रूफ आवरण उपरे आउ तले अच्छे पत्र उपरे आउ पत्र तले उपरे आउ तले बुझीला ना। तो यही ऊपर टीस्यू को कौन कह एपिडर्मिस एपिडर्मिस टीस्यू एपिडर्मिस कोषरे तैयारी। देख आमर जो उद्भिद अच्छी ये दिन भरी राति भरी से गोटे जगार छिड़ा हुए एमती नुहे जदि वर्षा हाँ आरंभ हम कि प्रबल खरा हे उद्भिद तार चेर उपुड़ी दौड़ कई गोटे छाई अच्छे देखिए मुझ रही जाए कि तुम घर भितर को उद्भिद आसिक पलैस ये बापा बहुत वर्षा होती घर भितर रहे आर्षा छाड़गले मुझे बाहर को जाइाईजी एमती उद्भिद करनी। तो से प्रोटेक्शन दरकार। तो पत्र को किए प्रोटेक्शन दब ये हूँ आम प्रोटेक्टिव लेयार
ये हूँ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस टिश्यू ता पत्र को प्रोटेक्शन दबो बुझीगला। चलो बर्तमान ये हूँ आम पत्र अंतः गठन पत्र भितर एमती थाए। देख ये जो तुमको कला कला बिंदु देखा प्रकृति में सब कला बिंदु नुहे ए सब सबुज बिंदु बुझीगला ना। तुम मन कर यू हूँ सबुज बिंदु यही सब सबुज सबुज बिंदु पालिसेड पारेनकाइमा एवं स्पंजी पारेनकाइमा टिश्यू मध्य कोष गुड़िकर लबक। तुम्हें कहींपर यही लबक गुड़िक कि लबक हो मु तुमको लबक विषय क्लास नाइन में पढ़ाई देती। लबक केत प्रकार तीन प्रकार ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट। तो ये कौन है सबुज रंग यार बिल्कुल ठीक ये हूँ क्लोरोप्लास्ट बुझीगला ना। तो ये जो सब टिश्यू अच्छी ना ये टिश्यू गुड़ा केत कोषर समाहार हो कोषर अंगिका भितर गोटे अंगिका है क्लोरोप्लास्ट बुझीगला। बर्तमान आम जब हरित लबक क्लोरोप्लास्ट को बड़ करके देखापा चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साहय जूम करके देखापा चाहिए तो ये आमको एमती देखा दुई स्तर झिल्ली विशिष्ट एमती थालिया भाया। तो ये कौन ये हूँ क्लोरोप्लास्ट बा हरित लबक एथिरे देख दुईट मेम्ब्रेन दुईट झिल्ली अच्छी ऊपर थी झिल्ली को कह अपर मेम्ब्रेन अपर मेम्ब्रेन एवं तले थिबा झिल्ली को कुआ जिबो लोयर मेम्ब्रेन लोयर मेम्ब्रेन बुझेला। एबे देखो आमर जो क्लोरोप्लास्ट अच्छी या भितरे आमको किछि रस भलिया जिंस देखिया पई मिलिबो अर्ध तरल पदार्थ जेली भलिया किछि जिंस आमको देखिया पई मिलिबो एहाकु कुआ जिबो स्ट्रोमा। कोन कुआ जिबो स्ट्रोमा ओडिया रे भी स्ट्रोमा इंग्लिश रे भी स्ट्रोमा बुझेला ना। तो ए स्ट्रोमा भितरे कोन थाए ना किछि जैव संतरक बा एंजाइम थाए जमती कि रुबिस्को रुबिस्को हूँ गोटे एंजाइम उदाहरण जहाँकि तुम क्लोरोप्लास्ट भितरे थाए क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा रस थाए रुबिस्को एंजाइम से भाया किसी पोषक पदार्थ जमती कि प्रोटीन फैट्स लिपिड इत्यादि पदार्थ थाए या भितरे बुझीगला ना। चलो तापर देखिबा आमे ए जो स्ट्रोमा रस भितरे किसी उपादान भासमान अवस्था थाए किसी उपादान केमी थाए भासमान अवस्था थाए एमती कोएन भाया जिनस भासमान अवस्था थाए एगुड़ी को थाइला कोएड बोली कह जाए। कौन कह जाए थाइला कोएड बुझीगला एमती लंबाड़िया जिनस भी तुम देखिपार ये भी हूँ आम थाइला कोएड एमती थाए जिनस गुड़ा थाइला कोएड बुझीगला। तो देख ये गोटे कोएन अच्छी या कौन कह थाइला कोएड थाइला कोएड। तुम्हें देख थाइला कोएड गुड़िक थाक थाक होती किसी किसी जगार एटी देख थाक थाक होती एटी भी देख थाक थाक होती थाइला कोएड गुड़िक थाक थाक होने कह ग्राना। कौन कह ग्राना बुझीगला थाइला कोएड गुड़िक सरु दीर्घ लंबाड़िया थली भाया चेप्टा देख टे चेप्टा लंबाड़िया थली भाया ये भी आम थाइला कोएड बुझीगला ना। थाइला कोएड रो भर स्थान को आम कह ल्यूमेन ये भर स्थान को कौन कह ल्यूमेन थाइला कोएड रितर स्थान को कौन कह जाए ल्यूमेन बुझीगला। चलो बर्तमान तुम्हें क्लोरोप्लास्ट अंतर्गठन बुझीगल। देख क्लोरोप्लास्ट कौन अच्छी क्लोरोप्लास्ट भितर किसी तरल पदार्थ अच्छी किसी रस भाया जिनस अच्छी जहाँ को कि आम स्ट्रोमा बोली कह स्ट्रोमारे कौन कौन जिनस अच्छी ना एंजाइम और पोषक पदार्थ अच्छी। तो ये स्ट्रोमारे किसी उपादान भासमान अवस्था भी था देख ये सरु लंबाड़िया दीर्घ थली भाया अंश अच्छी ना चेप्टा थली भाया अंश या कौन कह कह थाइला कोएड। कौन कह थाइला कोएड केतेक स्थान में छोट छोट गोल गोल मुद्रा सदृश थाइला कोएड गुड़िक थाक था। तो ये थाक गुड़ को आम कौन कह ग्राना बोली कह बुझीला ना हलानी थाइला कोएड ग्राना स्ट्रोमा सब बुझीला कहार किसी असुविधा ना। तो ये स्ट्रोमा और थाइला कोएड ये दीटा मिसिकी तुम आलोक श्लेषण संस्था तैयारी करती आलोक श्लेषण संस्था किए तैयारी करती ना हरित लबक क्लोरोप्लास्ट मध्य थाइला कोएड ग्राना एवं स्ट्रोमा मिसिकी आलोक श्लेषण संस्था तैयारी करती। वर्तमान आधार आउ संस्था बुझीगला बर्तमान देखा ये थाइला कोएड झिल्ली को जदि आम बड़ करके देखा थाइला कोएड को जदि आम जूम करके देखा या भितर कौन अच्छी तेल कौन मिल। तो ये आम थाइला कोएड झिल्ली को शक्तिशाली अणुवीक्षण जंत्र साहय करके देखा केमी देखा जा पूर्व आम कौन करवा ना आउ थे क्लोरोप्लास्ट बा हरित लबकर चित्र को ये ड्र करवा। तो देख क्लोरोप्लास्ट केमी देखा जाए ये हूँ आम क्लोरोप्लास्टर चित्र बा हरित लबकर चित्र दुई स्तर झिल्ली विशिष्ट
तो क्लोरोप्लास्ट मध्यरे थाए किसी तरल पदार्थ बा किसी रस, यही रस को आम कौन कह स्ट्रोमा बोली कह, तो ये हूँ स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मध्यरे कौन थाए ना किसी जैव संतरक एंजाइम एवं पोषक पदार्थ थाए। तो ये स्ट्रोमा रस मध्यरे केतेक उपादान भासमान अवस्था थाए, यही उपादान गुड़ी को कौन कह थाइलाकॉइड, कौन कह थाइलाकॉइड। केतेक स्थान रे थाइलाकॉइड गुड़िक थाक थाक होकर रही थांती, यहाँ कह ग्राना माने थाक गुड़ी कह ग्राना, बुझीला ना। तो देख एठार गोटे ग्राना अच्छी, ये गोटे ग्राना, ये मध्य गोटे ग्राना, ये मध्य गोटे ग्राना, ये भी गोटे ग्राना, बुझीला। तो ये ग्राना गुड़िक परस्पर सहित थाइलाकॉइड द्वारा संयुक्त होती। तो देख ये सब हूँ थाइलाकॉइड, बुझीला। तो ग्राना गुड़िकर देख, ग्राना गुड़िकर जो गोटे मुद्रा अच्छी ना भाई, गोटे गोलाकार अंश तुम्हें देखिपारो, यहाँ आम कह थाइलाकॉइड। पूरा थाकटा हूँ ग्राना, थाकर गोटे मुद्रा भाया अंश बा गोटे गोलाकृति अंश हूँ थाइलाकॉइड, बुझीला। तो ये ग्राना गुड़िक परस्पर सहित सरु दीर्घ एवं थली भाया चेप्टा थाइलाकॉइड द्वारा संयुक्त होता, बुझीला ना। तो यू हूँ थाइलाकॉइड। लक्ष्य कर थाइलाकॉइड मध्य किसी फांका स्थान देखिपारो, थाइलाकॉइड झिल्ली रे देख ता मझे किसी फांका स्थान अच्छी, फांका स्थान को आम कौन कह ल्यूमेन बोली कह ल्यूमेन, बुझीला ना। तो थाइलाकॉइड को लक्ष्य कर, ये गोटे मुद्रा हूँ आम थाइलाकॉइड, कौन थाइलाकॉइड। देख ये जो चेप्टा अंशा तुम देखिपारच, ये हूँ आम थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड, बुझीला। तो थाइलाकॉइड रो मध्यवर्ती अंश को कौन कह ल्यूमेन बोली कह, बुझीला ना। चलो वर्तमान आम थाइलाकॉइड रो वर्धित रूप देखा, जदि आम शक्तिशाली अणुवीक्षण जंत्र थाइलाकॉइड को आहुरी जूम करके देखा, आदि टी बड़ करके देखा, ये थाइलाकॉइड आमको केमी देखा, थाइलाकॉइड झिल्ली आमको केमी देखा, बुझीला ना। तो देख थाइलाकॉइड झिल्ली आमको एमती देखा, जदि आम टे बड़ करके देखा, तो ये हूँ आम थाइलाकॉइड झिल्लीर वर्धित रूप। देख ये हूँ फोटोसिस्टम टू, पीएस टू बा पी 680, पी 680 बोली कही पार, बुझीला ना। तो फोटोसिस्टम कौन होता है आम बुझा आग को आलोक प्रक्रिया विषय बुझला बेले, तापर देख एमती ही था है। ये हूँ गोटे बाहक अणु, ये भी गोटे बाहक अणु, ये हूँ झिल्ली रो ऊपर स्तर, एमती ही था है। ये आमर हूँ फोटोसिस्टम वन, पीएस वन बा पी 700 बोली मध्य कही पार, पी 700, पी 680, पी 700, बुझीला ना। या मध्य कौन थाए तुम लक्ष्य कर, ये हूँ गोटे बाहक अणु, चलो तो या मध्य कौन थाए ये फोटोसिस्टम वन आउ टू रे कौन थाए, या भीतर थाए क्लोरोफिल बा सबुज कणा, ये सब कौन क्लोरोफिल बा सबुज कणा लेखिनियो, ये हूँ क्लोरोफिल बा सबुज कणा। तापर देख ये सब गोल आकृतिर अंश तुम देखिपारच, या को आम कह बाहक अणु, बाहक अणु एसबूर काम होन करवा, ये मध्य हूँ गोटे बाहक अणु, ये मध्य गोटे बाहक अणु, बुझीला, ये मध्य गोटे बाहक अणु, बुझीला। चलो वर्तमान यही बाहक अणुगुड़िकर काम कौन ना, एगुड़िक इलेक्ट्रॉन परिवहन करिवे, इलेक्ट्रॉन परिवहन को माने करिवे ना यही बाहक अणु माने, बुझीला। तापर ये देख फोटोसिस्टम वन आउ टू को लक्ष्य कर, एठारे तुमको क्लोरोफिल देखा जाउची बा सबुज कणा देखा जाउची,
ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଗାକୃତି ଅଂଶ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ବର୍ଗାକୃତି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଟେ। ଏହାକୁ କୁହାଯିବ ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର, ବୁଝିହେଲା ନା? ତ ଲେଖ ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର ବା ଫୋଟୋ ରିଏକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତୁମେ କହିପାରିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଏସବୁ ହେଉଛି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବା ସବୁଜ କଣା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର P680ରେ, ବୁଝିହେଲା ନା? ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଥାଇଲକଏଡ଼ର ଗଠନ ବୁଝିଗଲ। ଆମେ ଯଦି ଥାଇଲକଏଡ଼କୁ ଯଦି ବଡ଼ କରିକି ଦେଖିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ, ତ ଆମକୁ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ, ବୁଝିହେଲା ନା? ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ହୁଏ କ'ଣ ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ପ୍ରକୃତରେ ହୁଏ କ'ଣ। ତ ଲେଖ ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଠାରେ ହୁଏ କ'ଣ। ଦେଖ 1905 ବେଳକୁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଫ୍ରେଡ୍ରିକ୍ ବ୍ଲାକମେନ୍। କ'ଣ ଥିଲା? ଫ୍ରେଡ୍ରିକ୍ ବ୍ଲାକମେନ୍। ଇଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ବା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ୟାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ପ୍ରକ୍ରିୟାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ବା ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ସେଥିରେ ସେ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲେ ନା, ଇଏ 200 ହେଇକି ଚାଲେ, 200 ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। କ'ଣ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଲାଇଟ୍ ରିଏକ୍ସନ୍, ଲାଇଟ୍ ରିଏକ୍ସନ୍। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯିବ ଡାର୍କ ରିଏକ୍ସନ୍, ଡାର୍କ ରିଏକ୍ସନ୍। ତ ଦେଖ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁବେଳେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଉପରେ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନଥାଏ, ବୁଝିହେଲା ନା? ତ ଆଲୋକ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦରକାର ହେବ? ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦରକାର ହେବ, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା ନା? 1931 ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଫନ୍ ନିଲ୍। ତ ସିଏ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଯେ ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଜଳ ଅଣୁର ସଂଯୋଗ ଘଟିଥାଏ, ଏବଂ ଜଳ ଅଣୁର ବିଘଟନ ଘଟି ସେଠାରୁ ଆସୁଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦ୍ୱାରା କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବିଜାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ବୁଝିହେଲା? ତ ଇଏ ଥିଲା ଫନ୍ ନିଲ୍ଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା। ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ 1937 ରବର୍ଟ ହିଲ୍ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ରବର୍ଟ ହିଲ୍ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବୁଝିହେଲା? ତ ସିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିକି କ'ଣ ଦେଖେଇଲେ, ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 6 ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଣୁ 12 ଜଳ ଅଣୁ ସହିତ ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ଘଟି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଏବଂ ହରିତ କଣାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ବା ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, C6H12O6 କାହାର ସଙ୍କେତ, ଗ୍ଲୁକୋଜର ସଙ୍କେତ, C6H12O6 ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଏବଂ ତା ସହିତ 6 ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ 6 ଜଳ ଅଣୁ ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ପତ୍ରର ସ୍ତୋମ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଷ୍ଟୋମାଟା ମାଧ୍ୟମରେ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏବଂ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ? ପତ୍ରର ସ୍ତୋମ ମାଧ୍ୟମରେ, ବୁଝିହେଲା ନା? ତ ଦେଖ ଏଠାରେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ର ବିଜାରଣ ଘଟିଥାଏ, ଏଇ ଜଳରୁ ଆସୁଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼କୁ ବିଜାରିତ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ବୁଝିହେଲା ନା? ଆଉ ଇଏ ସବୁ ହୁଏ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। କେବେ ହୁଏ? ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ ଅଣୁ ଅଛି, ଇଏ ଜଳ ଅଣୁର ବିଘଟନ ଘଟିକି ଅମ୍ଳଜାନ ତିଆରି ହୁଏ ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ଇଏ କେବେ ହୁଏ? ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। କେବେ ହୁଏ? ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଲାଇଟ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ରେ, ବୁଝିହେଲା ନା? ତ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଜଳ ଅଣୁର ବିଘଟନ ଘଟି ଅମ୍ଳଜାନ ବାହାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ H+ ଆୟନ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ, ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ର ବିଜାରଣ ଘଟି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ବୁଝିହେଲା? ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝିବା, ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା।
ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ବା ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ର ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମାନେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଲାଇଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଡାର୍କ ରିଆକ୍ସନ୍। ତ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ତା'ର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆଉ ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗତି କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ନା? ତ କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ ଇଏ ରାତିରେ ହୁଏ, ନା ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାତିରେ ହୁଏନି ବା ସେ ଆଲୋକ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେନି, ମାନେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା ନା? ତ ଯଦି ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ ଯେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ, ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଥାଇଲାକଏଡ଼୍ର ଝିଲ୍ଲିରେ। ଥାଇଲାକଏଡ଼୍ର ଝିଲ୍ଲିରେ, ଝିଲ୍ଲିରେ ମାନେ ଥାଇଲାକଏଡ଼୍ର ଉପର ଅଂଶରେ, ତା ଭିତରେ ଲ୍ୟୁମେନ୍ରେ ହୁଏନି, ଥାଇଲାକଏଡ଼୍ର ଉପର ଅଂଶରେ ବା ଝିଲ୍ଲିରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ ଯେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରୋମାରସରେ। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ? ଷ୍ଟ୍ରୋମାରସରେ। ବୁଝିହେଲା ନା? ତ ଏକଥା ତୁମେ ଲେଖିନିଅ ଯେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥାଇଲାକଏଡ଼୍ର ଝିଲ୍ଲିରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। କେଉଁଠାରେ? ନା ଥାଇଲାକଏଡ଼୍ର ଝିଲ୍ଲିରେ। ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ? ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ଷ୍ଟ୍ରୋମାରସରେ, ଷ୍ଟ୍ରୋମାରସରେ। ବୁଝିହେଲା ନା? ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଲାଇଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ। ବୁଝିହେଲା ନା? ତ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ଡିଟେଲ୍ ବୁଝିବା। ତ ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଥାଇଲାକଏଡ଼୍ର ଝିଲ୍ଲିର ଚିତ୍ର। ଏଠାରେ କିପରି ଭାବରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ସେଇ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ତ ଦେଖ, ଥାଇଲାକଏଡ଼୍ ଝିଲ୍ଲି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଲୋକ ପଡ଼େ, ଆଲୋକ ମାନେ କାହାର ଆଲୋକ? ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ବା ଭିଜିବୁଲ୍ ରିଜନ୍। ବୁଝିହେଲା? ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଥାଇଲାକଏଡ଼୍ର ଝିଲ୍ଲିରେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପଡ଼େ, ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଫୋଟୋସିଷ୍ଟମ୍ ୱାନ୍ ବା P700 ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତୁମେ କହିପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଫୋଟୋସିଷ୍ଟମ୍ ଟୁ ବା ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? P680। ବୁଝିହେଲା ନା? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠାରେ ଅଛି ତୁମର କିଛି ବାହକ ଅଣୁ। ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ବାହକ ଅଣୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବାହକ ଅଣୁ, ଚିହ୍ନଟ କର ତୁମେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବାହକ ଅଣୁ। ଏମାନେ କ'ଣ ବହନ କରନ୍ତି? ଏମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ନା? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବାର କାମ କିଏ କରନ୍ତି? ବାହକ ଅଣୁ। ବୁଝିହେଲା ନା? ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯଦି ଏଇ ଫୋଟୋସିଷ୍ଟମ୍ 1 ଉପରେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପଡ଼ିଲା, ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି? କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଛି। ଏଇ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବା ସବୁଜ କଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବା ସବୁଜ କଣା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପାଖକୁ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ନା? ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବା ସବୁଜ କଣା ପାଖକୁ ଏମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି। ତ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରେ ଲାଇଟ୍ ଏନର୍ଜିକୁ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି କ'ଣ ହେବ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଇଏ କ'ଣ ଆମର ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର? ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି, ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର। ଲେଖିନିଅ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର ବା ଫୋଟୋ ରିଆକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର। ବୁଝିହେଲା? ଇଏ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍, କେବଳ ଇଏ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା ନା? ତ ଯେତେବେଳେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଏଇ ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚେ, ଇଏ କ'ଣ ହେବ? ଇଏ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବ। ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଇକି ଏଠାରୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରିଯାଏ। କ'ଣ ବାହାରିଯାଏ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରିଯାଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ କିଏ ଜାଣିଛ? ଗୋଟେ ବାହକ ଅଣୁ। ବାହକ ଅଣୁ ସେହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେ କ'ଣ ନିଜେ ରଖିବ କି? ସେ କାହା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ନେଇଯିବ। ତ ସେ ଯାହା ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ। କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ। ତ ଧରାଯାଉ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ। ଇଏ କ'ଣ ଆମର? ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ। ଲେଖ, ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ।
ये ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन आसी आमर ये इलेक्ट्रॉन को किए ग्रहण कर ग्राहक अणु, ये ग्राहक अणु को आम कह सहकारक, कौन कहीपर को सहकारक बुझीला बा कोफैक्टर, कोफैक्टर बोली आम कहीपर इंग्लीश रे बुझीला। तो ये कौन करिबो ना ए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करिबो, ए ग्राहक अणु को आम कह एनएडीपी प्लस, एनएडीपी प्लस माने ये हूँ एक जारित निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बुझीला, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ये जो जिनसटा ग्राहक अणु ये ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन को। देखो ये प्लस अच्छी माने या पाखर गोटे इलेक्ट्रॉन पड़ाई जा, तो वर्तमान ये कौ अवस्था अच्छी ये जारित अवस्था अच्छी, जारित अवस्था कहीं अच्छी कहीं ये गोटे इलेक्ट्रॉन हरई दे, तो जी गोटे इलेक्ट्रॉन हरई दे जारित हम कि विजारित हम जारित हम, तो निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जारित होती मिलला गोटे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनटा मिलला, तो इलेक्ट्रॉन जेहेतु मिलला ये ही गला विजारित, विजारित होकर कौन जेनेट हम ना एन ए डी पी एच, एन ए डी पी एच रे परिणत होला। तो ये एन ए डी पी एच हेउची विजारित बुझीला। वर्तमान लक्ष्य करो एठारे जो क्लोरोफिल माने आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र जी कि इलेक्ट्रॉन त्याग करिछि से कौन हम जे इलेक्ट्रॉन त्याग कर से जारित हम कि विजारित हम, ये जारित हम ये आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र वर्तमान जारित हो जाइए बुझीला ना। वर्तमान ये गला आमर प्रथम पर्याय, तो आमर जो आलोक प्रक्रिया दुईट पर्याय समाहित हुए प्रथम पर्याय आ द्वितीय पर्याय, आलोक प्रक्रियार दुईट पर्याय अच्छे प्रथम पर्याय एवं द्वितीय पर्याय, प्रथम पर्याय मु तुमको बुझेई देछि आउ द्वितीय पर्याय एबे आरंभ करिबा द्वितीय पर्याय, देखिबा द्वितीय पर्याय रे कौन हबो। देखो वर्तमान फोटो सिस्टम वन बा पी सात सरे जो आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र अच्छी एथिरे गोटे फांका स्थान अच्छे इलेक्ट्रॉन पाई, कहीं ना गोटे इलेक्ट्रॉन एठारु बाहरिकी चली जाइछि बुझीला ना। देखो जेतेबेले आमे कोनोसी वस्तु उपरे सुइटेबल फ्रिक्वेन्सी रो लाइट एनर्जी पकेबा बा आलोक शक्ति पकेबा बा फोटोन पकेबा सेतेबेले कोन हबो ना एई वस्तुरु किछि इलेक्ट्रॉन पुचुक पुचुक करिकि बाहर को बाहरि जिबे बुझीला, एहाकु कुआ जे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ए विषय रे तमे पढ़िबो प्लस टू रे बुझीला ना। तो जदि आमे कोनोसी वस्तु उपरे सुइटेबल फ्रिक्वेन्सी रो लाइट एनर्जी को पकेबा सेतेबेले सही वस्तु देहरु किछि इलेक्ट्रॉन बाहर को बाहरि जाए, एहाकु कुआ जे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जहाँकि ए जगह रे संपादित होइछि बुझीला ना। तुम्हारे आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र रु इलेक्ट्रॉन केमिति बाहरिला सही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कारण रु बुझीला ना। देखो वर्तमान सही जगह रे गोटे इलेक्ट्रॉन रो स्थान फांका अछि सही स्थान को परिपूरण करिया पाई वर्तमान फोटो सिस्टम टू रु इलेक्ट्रॉन जीव ता पाख को बुझीला ना। एबे आरंभ होला द्वितीय पर्याय, प्रथम पर्याय खत्म हो जाए इलेक्ट्रॉन जाकि पहुँची जाइए एनएडीपी प्लस पाखे आउ कौन करजारित करजारित करोथे परिणत करना एनएडीपी एच रे परिणत कर बुझीला, एनएडीपी एच विजारित हो जाए यगे एनएडीपी एच या बुझीला ना। चलो वर्तमान देख फोटो सिस्टम टू रु इलेक्ट्रॉन जीव फोटो सिस्टम वन को, तो एठारु इलेक्ट्रॉन केमिति बाहर ना यही जगह आलोक शक्ति पड़ुची एही आलोक शक्ति गुड़िक क्लोरोफिल रु क्लोरोफिल को ट्रांसफर हम लाइट एनर्जी कौन हम गोटे क्लोरोफिल रु आउ गोटे क्लोरोफिल को ट्रांसफर हम बा स्थानांतरित हम तापर जाकि सबुगुड़ा एनर्जी कौ जगह पहुँच ना एही आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र रे माने फोटो सिस्टम टू बा पी 680 रे आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र रे, तो एठारु गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर वर्तमान एही इलेक्ट्रॉन को किए नब एही बाहक अणु, ये बाहक अणु नहीं ता परवर्ती बाहक अणु को दबो इलेक्ट्रॉन, वर्तमान ये इलेक्ट्रॉन कौन हबो ना प्रथम रु जो आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र थिला माने पीएस वन रे फोटो सिस्टम वन रे बा पी 700 रे से ही आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र को जीवो बुझीला। वर्तमान पी 700 रो आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र टी पूर्वरु जारित होइकि अछि काहेकि ना गोटे इलेक्ट्रॉन से त्याग कर देछि किंतु तापरे आउ गोटे इलेक्ट्रॉन ताकु मिलीगला वर्तमान से विजारित हो जीवो बुझीला ना। तो ये प्रोसेसटा बारंबार 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 रिपीट हबो
ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲିର ପରିବେଶରେ ଜଳ ଅଣୁର ବିଘଟନ ହେବ। ଜଳ ଅଣୁ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ନା ମାଟି ତଳୁ, ଚେର ଶୋଷଣ କରିନି କି ଜଳ ଅଣୁକୁ, ପତ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ସାରିଛି ଜଳ, ବୁଝିହେଲା କି ହେଲାନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜଳ ଅଣୁର ବିଘଟନ ହେବ। ଜଳ ଅଣୁର ବିଘଟନ ଘଟିକି ଆମେ ପାଇବା ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ଅମ୍ଳଜାନ, ବୁଝିହେଲା ନା। ତ ଏଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଯିବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରୋଟନ୍ ବୋଲି। କାହିଁକି କହିବା ପ୍ରୋଟନ୍ କୁହ, କାହିଁକି କହିବା ପ୍ରୋଟନ୍? ଆରେ ଦେଖ ଏଚ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, ଏଚ୍ ମାନେ କ'ଣ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ରେ ପ୍ରୋଟନ୍ କେତେଟା ଅଛି? ଗୋଟେ ଅଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କେତେଟା ଅଛି? ଗୋଟେ ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମୁଁ ବାହାର କରିନେବି ବାହାରକୁ, ଆଉ କ'ଣ ରହିବ? କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟନ୍ ରହିବ ନା। ତ ଇଏ ତ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟନ୍, ବୁଝିହେଲା ନା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଚାଲିବ 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 ହୋଇଚାଲିବ, ବୁଝିହେଲା ନା। ଆଉ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍ କ'ଣ ହେବ? ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଆକାରରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ, ଏବେ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍ କ'ଣ ହେବ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋଟନ୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲିର ତଳ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟୁମେନ୍ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଜମା ହେବ। ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲି, ଆଉ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲି ଅଛି। ତୁମେ ଅନୁମାନ କର ଯେ ଇଏ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲି ଅଛି, ମଝିରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଏଇ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଲ୍ୟୁମେନ୍ ବୋଲି କହିବା, ବୁଝିହେଲା ନା। ତ ଏଇ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲିରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅଣୁର ବିଘଟନ ଘଟିଛି, ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲିରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅଣୁର ବିଘଟନ ଘଟିଛି। ତ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବା ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ରହିବ କେଉଁଠି? ସେ ଯାଇକି ସେଇ ଲ୍ୟୁମେନ୍ ଭିତରେ ପଶିବ ସବୁ, ବୁଝିହେଲା ନା। ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଏଇଠି ଅଛି, ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଏଠାରେ ଅଛି, ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଲ୍ୟୁମେନ୍, ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ତଳେ ଗୋଟେ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲି ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି ହେଉଛି ଲ୍ୟୁମେନ୍, ଏଇ ଲ୍ୟୁମେନ୍ରେ ପ୍ରୋଟନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜମା ହେବ, ବୁଝିହେଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ଅବକ୍ରମ ବା ବଳ ତିଆରି ହେବ, ଏହି ବଳର ପ୍ରଭାବରେ କମ୍ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏ ଡି ପି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏ ଟି ପିରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏ ଡି ପି ଏଡେନୋସିନ୍ ଡାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ପରିଣତ ହେବ ଏ ଟି ପିରେ, ମାନେ ଏଡେନୋସିନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍ରେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କିଏ? ଏ ଟି ପି। ଏ ଟି ପିକୁ କୋଷର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିହେଲା ନା। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠାରୁ କ'ଣ ପାଇଲୁ ନା ଏନ୍ ଏ ଡି ପି ଏଚ୍ ପାଇଲୁ ଏବଂ ଏ ଟି ପି ପାଇଲୁ। ଏଠାରେ ଏନ୍ ଏ ଡି ପି ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ଏ ଡି ପି ପ୍ଲସ୍ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଏନ୍ ଏ ଡି ପି ଏଚ୍ରେ, ଏବଂ ଏ ଡି ପି ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଏ ଟି ପିରେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ ପାଇଁ, ମାନେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ବୁଝିହେଲା ନା। ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ତିଆରି କଲୁ? ଏ ଟି ପି ଏବଂ ଏନ୍ ଏ ଡି ପି ଏଚ୍। ଏତିକି କିଏ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଭଲ ଭାବରେ? ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଛ, କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାହା ଯାହା ବୁଝିଲୁ ତାକୁ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିନେବା, କାହିଁକିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ବୁଝିହେଲା ନା। ଜିନିଷ ତ ଆମେ ସବୁ ବୁଝି ନେଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଖିନେବା। ଆଚ୍ଛା, ଲାଇଟ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ଟା କେଉଁଠି ହୁଏ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଲାଇଟ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ ବା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥାଇଲାକଏଡ୍ର ଝିଲ୍ଲିରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ତ ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିନେବା। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖାଯିବ ଯେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲିରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୁଏ, ବୁଝିହେଲା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ଯେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ। ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲିରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁର ସମଷ୍ଟି ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲିରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଛି, ଇଏ ଦେଖ ପିଏସ୍ ୱାନ୍ ବା ଫୋଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱାନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠାରେ ପିଏସ୍ ଟୁ ମାନେ ଫୋଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟୁ, ଏଠାରେ ଅଛି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯିବ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍। କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍, ମାନେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯାଉଛି, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖାଯିବ, ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍କୁ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ, ବୁଝିହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଆଲୋକ ନେବ ସେ କ'ଣ କରିବ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍କୁ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବ। ତ ଇଏ ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ରହିବ ସେ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍କୁ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଇବ, ବୁଝିହେଲା ନା। ତ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ବି ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବ, ବୁଝିହେଲା। ଚାଲ
तो शेषे कौन हम ना आलोक शक्ति जाकि पहुँचब आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र क्या द्वारा ना क्लोरोफिल गुड़िक द्वारा ये क्लोरोफिल गुड़िक आलोक शक्ति को ग्रहण करेंगे एवं यही आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र नहीं कि पहुँचे बुझीला ताक पी 700 बा पी एस वन कह जाए मानने फोटो सिस्टम वन बुझीला तो ये जिनसटा हो फोटो सिस्टम वन ये जो बक्सटा तुमको देखा ये हूँ फोटो सिस्टम वन पी 700 बुझीला। तो नेक्स्ट पॉइंट रे हमें लिखिबा जे एहा द्वारा सही क्लोरोफिल टी उद्दीपित हुए कौ क्लोरोफिल टी ना ये जो आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र क्लोरोफिल टी ये उद्दीपित हुए एवं ताठारु एक अधिक शक्ति संपन्न अस्थिर इलेक्ट्रॉन बाहरी आसे या पाखु गोटे अस्थिर अधिक शक्ति संपन्न इलेक्ट्रॉन बाहरी जीव। वर्तमान फोटो सिस्टम वन बा पी 700 रो आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र टी जारित होइजिवो कहीं या पाखु गोटे इलेक्ट्रॉन बाहरी की पड़े जाइछि तो से बाहरी जाइथिबा इलेक्ट्रॉन टी जीव कुआडे देखो इलेक्ट्रॉन टी विभिन्न बाहक अणु माध्यम रे गति करी परिशेषरे एक ग्राहक अणु पाखरे पहुंचे तो ये जो इलेक्ट्रॉन टी ये विभिन्न बाहक अणु माध्यम देकी गति करिवो। तो एठारे मु गोटे बाहक अणु रो चित्र अंकन करिछि है परे बहुत गुड़ा बाहक अणु थाई परंती सेमानों को मध्य देई की गति करिवो ए इलेक्ट्रॉन टी एवं परिशेष रे जाई की गोटे ग्राहक अणु पाखरे पहुंचिवो ए ग्राहक अणु को आमे कहिबा सहकारक बा कोफैक्टर बुझियाला। तो ए ग्राहक अणु रो नाम हेउची एनएडीपी प्लस निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बुझियाला। तो यह जारी तो एनएडीपी प्लस नाम नामित एनएडीपी प्लस जदि गोटे इलेक्ट्रॉन पाई ना देख एनएडीपी प्लस पूर्वर ही जारित होती कहीं यार गोटे इलेक्ट्रॉन किए नहीं जाइए बुझीला ना बर्तमान या गोटे इलेक्ट्रॉन दरकार से इलेक्ट्रॉन पाई एनएडीपी एच रे परिणत हो बुझीला ना। तो इलेक्ट्रॉन पाई से कौन हो एनएडीपी एच रे परिणत हो आम देखा पर्याय टू रे कौन हम देखा पर्याय वन बर्तमान सरी जाइए पर्याय वन कौन या ना एनएडीपीएच या पर्याय वन कौन या एनएडीपीएच तापर देखिबा पर्याय टू रे कौन होउची प्रथम आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र रे वर्तमान एक इलेक्ट्रॉन शून्यता सृष्टि होइची। तो ये जो प्रथम आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र माने पी 700 एठारे इलेक्ट्रॉन आउ नाही ये इलेक्ट्रॉन तो चली जाइची ना तो एठारे इलेक्ट्रॉन शून्यता सृष्टि होइची ये शून्यता को परिपूर्ण करने पी 680 रु इलेक्ट्रॉन गोटे बाहर की आसो दौड़ की पाकु आसो केमी आसो ना ये उद्दीपित हम जमी सी होता ये भी हम बुझीला कि हलानी। तो देख ता पूरण करने अन्य एक आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र पी 680 रु इलेक्ट्रॉन आसो तो एठारु इलेक्ट्रॉन बाहक अणु मानक मध्य जाकि पहुँचब पी 700 रो आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र बुझीला। तो देख यहाद्वारा थाइलोकॉइड परिवेश रे जल अणुर विश्लेषण घटव तो यह द्वारा कौन हम जदि इलेक्ट्रॉन बारंबार से पाक जीवना तो आपको भी इलेक्ट्रॉन दरकार हम ना तो एठाक इलेक्ट्रॉन पुणी केमी आसव ना ये कौन कर ना जल अणुर विघटन करवेश जल अणुर विघटन घटव केमती देख जल अणुर विघटन घटी जल अणु विघटित होश्लेषण होच प्लस आयन आउ गोटे इलेक्ट्रॉन आउ ओ टू मानने अम्लजान गैस बाहरी तो ये अम्लजान गैस बर्तमान कौन हम जान ये बाहर को पलैब स्टोम मध्य देकि बा पत्रर स्टोमाटा देकि ये बाहर को पलैब बुझीला ना हलानी आउ बाकी कौन रहिला ना एच प्लस आयन आउ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो गति कर छाड़ी पलैब बारंबार एनएडीपीएच तैयारी हम बुझीला कि हलानी। तो ये बर्तमान चली फोटो सिस्टम वन को तो फोटो सिस्टम वन कौन रखे कि पुणी एनएडीपीएच तैयारी छाड़देव बुझीला ना हलानी बर्तमान या पुणी इलेक्ट्रॉन दरकार ये इलेक्ट्रॉन आणव कौटू ना जल अणुर विश्लेषण करी तो जल अणुर विश्लेषण करी सीना इलेक्ट्रॉन नहीं आसब एबे प्रोटॉनटा कौन हम एच प्लस आयन कौन हम एच प्लस आयन जाकि जमा हम ल्यूमेन रे। देख थाइलाकॉइड रे इलेक्ट्रॉन चलन द्वारा ल्यूमेन रे अधिक प्रोटॉन जमा हुए ल्यूमेन बुझीपार्च तो आमर जो थाइलाकॉइड रो थली भितरे बा तार पेट भितरे दुटा थाइलाकॉइड झिल्लीर भितरे ल्यूमेन थाए ना तो से ल्यूमेन रे प्रोटॉन जमा हुए एहा द्वारा एक प्रकार रो अवक्रम बा बल सृष्टि हुए एही अवक्रम बा बल को व्यवहार करके कम शक्ति संपन्न एडीपी अधिक शक्ति संपन्न एटीपी रे परिणत हुए। तो द्वितीय पर्याय फिनिश होगा प्रथम पर्याय रे तैयारी हैला एनएडीपीएच द्वितीय पर्याय रे तैयारी हैला एटीपी यही दुईटा मिसिकी आलोक श्लेषण शक्ति तैयारी करती एनएडीपीएच आउ एटीपी यही दुईट मिसिकी आलोक श्लेषण शक्ति तैयारी करती। तो मोट उपरे आलोक प्रक्रिय कौन कौन या बुझीला कि हलानी कहल देखा
प्रथमे तो NADPH तैयारी है आउ ATP तैयारी है ऑक्सीजन भी तैयारी ये ऑक्सीजन तो बाहर को बाहर की पलैब यार आउ किसी काम ना किंतु काम अच्छी कहार ना NADPH रो ATP रो या धरिकी रखि थो अंधकार प्रक्रिया दुईटा काम आसवे बुझीला ना हलानी NADPH ATP बर्तमान आम देखा अंधकार प्रक्रिया किपर संपादित हुए देख आलोक प्रक्रिया ठारु अंधकार प्रक्रिया बा डार्क रिएक्शन बहुत सिंपल होता है बा बहुत सरल होता है बहुत इजिली तुम बुझीज एठार कौन सी कम्प्लिकेसन ना तो देख अंधकार प्रक्रिया बा डार्क रिएक्शन कौठार संपादित हुए कहींपर देख मु तुमको पूर्व बुझेदी जे आलोक प्रक्रिया संपादित हुए क्लोरोप्लास्टर थाइलाकोएड झिल्ली रे एवं अंधकार प्रक्रिया संपादित हुए क्लोरोप्लास्टर स्ट्रोमा रसरे तो अंधकार प्रक्रिया कौटि हम क्लोरोप्लास्टर स्ट्रोमा रसरे देख क्लोरोप्लास्ट आमर केमती थिला ये थिला आमर क्लोरोप्लास्टर चित्र दुई स्तर झिल्ली विशिष्ट या भितरे किछि रस थिला ना किछि तरल पदार्थ थिला एही तरल पदार्थ को आम कौन कहते स्ट्रोमा बोली कहते तो ये स्ट्रोमा भितरे ही आमर अंधकार प्रक्रिया बा डार्क रिएक्शन हम बुझीला ना थाइलाकोएड झिल्ली आमर कौन होता थाइलाकोएड झिल्ली होता आलोक प्रक्रिया ये सब हूँ थाइलाकोएड झिल्ली ग्राना एगुड़ा तो ग्रानार प्रत्येक अंश ये जो गोल गुड़ा अच्छी हूँ थाइलाकोएड तो थाइलाकोएड झिल्ली मान ऊपर अंश में कौन होता आलोक प्रक्रिया होता आलोक प्रक्रिया होटू कौन बाहर कहींपर आलोक प्रक्रिय कौन बाहर सेठार NADPH बाहर ATP बाहर ना NADPH ATP बुझीला आहत ऑक्सीजन भी बाहर को पलैसी एवं ऑक्सीजन भी या आलोक प्रक्रिय कितु सी बाहर को पलैला तो आलोक प्रक्रिय दरकार होता जल आलोक प्रक्रिय कौन दरकार होता जल दरकार होता एवं अंधकार प्रक्रिय कौन कौन दरकार देख CO2 मान कार्बन डाइऑक्साइड दरकार एठार कार्बन डाइऑक्साइड आलोक प्रक्रिय व्यवहार ही नाला व्यवहार कई हम अंधकार प्रक्रिय तो ये रस भितर आगुरी ही तुम कार्बन डाइऑक्साइड द्रवीभूत होसला कौटू अरे स्टोमाटा भितर देखिए आसला वायुमंडल देखिए या भितर पशी CO2 ये द्रवीभूत हो अंधकार प्रक्रिया आम आलोक डिपेंड कैन बुझीला ना ये हूँ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन माने लाइट उपरे ये डिपेंड करिबो नाही किए डिपेंड करिबो लाइट रिएक्शन बा आलोक प्रक्रिया बुझीला ना तो देख कौन कौन उपादान आमको दरकार कार्बन डाइऑक्साइड दरकार RUBP दरकार RUBP हूँ पांच कार्बन विशिष्ट गोटे जौगिक पांच कार्बन विशिष्ट जौगिक जेटा कि तुमको यही स्ट्रोमा रस रे मिल जिवो RUBP RUBP रो फुल फॉर्म हेउची राइबोलोज बिस्फोस्फेट चलो रुबिस्को एंजाइम पूर्व तुमको कहीदे स्ट्रोमा रस विभिन्न प्रकार जैव संतरक एंजाइम था भितर गोटे एग्जांपल मु तुमको देखी रुबिस्को एंजाइम जेटा कि तुम अंधकार प्रक्रिय काम आसो बुझीला चलो बर्तमान NADPH और ATP मु तुमको पूर्व कही ये धरिकी रखा या दुटा आलोक प्रक्रिय आसू आए लाइट रिएक्शन रु एम या बुझीला तो अंधकार प्रक्रिय हम कौन ना ग्लुकोज संश्लेषित हम खाद्य तैयारी हम बुझीला ना तो ये कौन ग्लुकोज उद्भिदर खाद्य C6H12O6 ग्लुकोज संकेत शर्करा जातीय खाद्य ये तैयारी हम बुझीला ना चलो बर्तमान आम कौन करवा ना अंधकार प्रक्रिया को बुझा जमीक तुम आलोक प्रक्रिया दुईट पर्यायर संपादित होता अंधकार प्रक्रिया यठार तीनोटी पर्यायर संपादित हम कौन कौन देख पर्याय वन एथेरे कौन हुए ना कार्बन डाइऑक्साइड RUBP सहित मिसे कार्बन डाइऑक्साइड गला भितर को RUBP पूर्वर ही अच्छी स्ट्रोमा रस दुईजर संजोग घटला आउ देख एठारे उत्प्रेरक किए हेबे बा बायो कैटालिस्ट किए रहिबे ना रुबिस्को एंजाइम ये हूँ गोटे जैव उत्प्रेरक बा बायो कैटालिस्ट माने ये रहिले प्रतिक्रियाटा द्रुततर हम बुझीला आउ पुणी आमे देख ATP आउ NADPH को आलोक प्रतिक्रिया आनीचु तो ताकु मध्य एटारे रखिबा ATP+NADPH ये सब रहाफल कि ये जो रासायनिक प्रतिक्रिया ये द्रुततर हम देख कार्बन डाइऑक्साइड रे केतोटी कार्बन अच्छी गोटे कार्बन अच्छी RUBP केतोटी कार्बन अच्छी एठारे पांचोटी कार्बन अच्छी तो टोटल केतोटी कार्बन होगा गोटे कार्बन युक्त पांचोटी कार्बन मिसिकला छोटी कार्बन तो एठारे जो जौगिक बाहर एथेरे छोटी कार्बन थी दरकार तो डायरेक्टली ये छोटी कार्बन न होकर दुईटी तीन कार्बन विशिष्ट शर्करा बाहर बुझीला ना
तो लेख दुईटी तीन कार्बन विशिष्ट शर्करा शर्करा अणु बोली भी लिखिपार शर्करा अणु बुझीगला। तो ये आम प्रथम पर्याय कम्प्लीट होगलापर आम देखा द्वितीय पर्याय। द्वितीय पर्याय कौन हो देखा तो द्वितीय पर्याय मु कौन करी टे लिभे दूसरे एठार कौन हम ना द्वितीय पर्याय और तृतीय पर्याय एका सहित तो संपादित हम तो पर्याय दुई एवं पर्याय तीन एका सांगे बुझी नवा। तो पर्याय दुई आन कौन हम देख प्रथम पर्याय कौन होता ना कार्बन डाइऑक्साइड जहाँकि गोटे कार्बन विशिष्ट अणु एवं आरयूबीपी जहाँकि पांच कार्बन विशिष्ट अणु एम संजोग घटिकी दुईटी तीन कार्बन विशिष्ट शर्करा अणु मिलता आमको। देख एटी गोटे कार्बन एटी पांचटा कार्बन माने छटा कार्बन जहाँ भी आमको मिल छा कार्बन थी दरकार तो डायरेक्टली छटा कार्बन न हो कि दुईटी तीन कार्बन विशिष्ट शर्करा अणु तैयारी यार अर्थ हो दुई गुणन तीन कार्बन विशिष्ट शर्करा बुझीगला ना दुई गुणन तीन कार्बन विशिष्ट शर्करा। बर्तमान ये जो तीन कार्बन विशिष्ट शर्करा अच्छी यार विघटन घटव देख ये जो तीन कार्बन विशिष्ट शर्करा द्वितीय पर्याय कौन हम ना एरी हम C6H12O6 अर्थात ग्लुकोज अणुर संश्लेषण हम ये जगह द्वितीय पर्याय कौन हम ना ग्लुकोज अणु तैयारी हम ग्लुकोज अणुर संश्लेषण तापर तृतीय पर्याय को जीवा तीन कार्बन विशिष्ट शर्करा रु पुणी ग्राहक अणुर पुनरुद्भवन घटव ग्राहक अणु पुणी आउ थे तैयारी हम ग्राहक अणु किए देख क्या ग्रहण करते आम आरयूबीपी तो एठार आरयूबीपी पुणी तैयारी हम लेख एठार ग्राहक अणुर पुनरुद्भवन पुनरुद्भवन अर्थात ये आमको आरयूबीपी मिल बुझीगला ना। देख तुम्हें भावुव जेठार तीन कार्बन विशिष्ट शर्करा अच्छी किंतु आमको मिलला C6H12O6 माने छ कार्बन विशिष्ट शर्करा यहाँ केमी पसिबुल तीन कार्बन विशिष्ट शर्करा भांगिकी केमी छ कार्बन विशिष्ट शर्करा तैयारी ये तो इम्पसिबुल पुणी पांच कार्बन विशिष्ट आरयूबीपी बाहर आरयूबीपी माने पांच कार्बन विशिष्ट जौगिक ना तो ये पांच छ तुम कह सर ये दुईट तीन कार्बन विशिष्ट शर्करा बाहर था तो जदि आम दुईट तीन कार्बन विशिष्ट शर्करा भी नवा तो तीन दुणी छ छटी कार्बन बाहर दरकार किंतु एटी छ आठ पाँच एगार बाहर तो ये असुविधा हो जाऊँ ना तो समतुल करवा निहाती आवश्यक। बर्तमान आम कौन करवा देख प्रथम पर्याय जो कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी ना या तुम छटी कार्बन डाइऑक्साइड अणु नि बर्तमान कार्बन केतोटी छटी कार्बन हो छटी कार्बन आरयूबीपी अच्छी गोटे आरयूबीपी तुम नहीं जाओ छटी आरयूबीपी तो छटी आरयूबीपी हो गले गोटे आरयूबीपी अच्छी पांचटी कार्बन छटी आरयूबीपी छपंचा तीस टी कार्बन तो छ गुणन पांच कार्बन विशिष्ट यौगिक तो छपंचा तीस टी कार्बन तीस टी कार्बन आठ छटी कार्बन तीस टी कार्बन आठ कार्बन मिसिकी के छत्तीस टी कार्बन तो ए पाखे आमको छत्तीस टी कार्बन बाहर दरकार दुईट तीन कार्बन विशिष्ट शर्करा अणु बाहरी माने दुई तीन छटी कार्बन आमको दरकार छत्तीस टी कार्बन तो छत्तीस टी कार्बन केमती बाहर ना जदि आम बारटी तीन कार्बन विशिष्ट शर्करा अणु करदे तो बारती छत्तीस टी कार्बन बुझीगला। तो देख बाम पाखे भी छत्तीस टी कार्बन तीस कार्बन युक्त छ कार्बन सामान छत्तीस कार्बन डाण पाखे छत्तीस टी कार्बन बुझीगला। तो देख समतुल समीकरण टी तो ये आमर बारटी तीन कार्बन विशिष्ट शर्करा तो जदि बारटी तीन कार्बन विशिष्ट शर्करा भांग गोटे ग्लुकोज तैयारी हम एठार देख ग्लुकोज्रे अच्छी कार्बन छटी बुझीगला ग्लुकोज्रे कतोटी कार्बन अच्छी छटी कार्बन आउ कतोटी रहा छत्तीस रु छाला आउ रहा केस तो ए पाखे आमर तीस टी बाहर कार्बन पांचटी कार्बन अच्छी तो आम ये छटी आरयूबीपी बाहर करवा कतोटी छटी आरयूबीपी तमें छटी पांच कार्बन विशिष्ट यौगिक तो छपंचा तीस कार्बन हो गला। तो यठार देख तीस कार्बन युक्त ग्लुकोज्रे छटी कार्बन तीस कार्बन युक्त छ कार्बन सामान छत्तीस कार्बन छत्तीस कार्बन बुझीगला ना। तो आमर पर्याय दुई आ पर्याय तीन कम्प्लीट हो जाइए। तो बर्तमान तुम ये लक्ष्य कर तृतीय पर्याय ग्राहक अणुर पुनरुद्भवन घटी अर्थात आरयूबीपी जहाँकि ग्राहक अणु अटे जहाँ को आम ग्रहण करूँ स्ट्रोमारसरु ताकि पुणी आम स्ट्रोमारस को फेरइ देचु
तो ये पुणी कौ काम लगे ना पुणी जाइ से कार्बन डाइऑक्साइड सहित मिसिब आ पुणी थे सी तीन कार्बन विशिष्ट शर्करा अणु तैयारी कर बुझेगा ना पुणी ये तीन कार्बन विशिष्ट शर्करा अणु को भांगिकी आम ग्लुकोज संश्लेषण करवा पुणी आर यूबीपी या तो ये जो प्रोसेस रही है ये गोटे चक्राकार पद्धति चलो ये चक्र को प्रथम थरपाई अवलोकन करते जड़े वैज्ञानिक ना थी मेलभिन केलभिन तो नाम अनुजाई ये चक्रर नामकरण करागला केलभिन सैकल बा केल्विन चक्र तो वर्तमान आम केल्विन चक्र चित्र एठारे अंकन करवा वर्तमान आम केल्विन चक्र बा केल्विन साइकिल बुझा जहाँ भी आम पढ़िलु ताकूम चित्र मध्यम प्रकाश कर देचु तो लक्ष्य कर प्रथम पर्याय कौन होता ना कार्बन डाइऑक्साइड विबंधन घटी कार्बन डाइऑक्साइड को आम क्या सहित मिसेलु ना पांच कार्बन विशिष्ट ग्राहक अणु सहित जार नामकरण कर आर यू बी पी माने राइबोलोज बिस्फोस्फेट कौटी थी सेटा ना स्ट्रोमारस तो कार्बन डाइऑक्साइड सहित जदि आम आर यु बी पी को मिसेबा क्या उपस्थित रे ना एंजाइम रुबिस्को एवं एटीपी आउ एनएडीपीएच रो उपस्थित रे एटीपी आउ एनएडीपीएच को आम कौटू पाइलु ना आलोक प्रक्रिय उत्पाद हिसाब से आम पाइलु एटीपी आउ एनएडीपीएच को ता सहित रुबिस्को एंजाइम कौटी थी ना स्ट्रोमारस आर यु बी पी आउ रुबिस्को एंजाइम ए दुईटी स्ट्रोमारस कार्बन डाइऑक्साइड को आम वायुमंडल ग्रहण करूँ क्या मध्यम ना स्टोमाटा मध्यम स्टोम मध्यम तापर जिते बड़े आम आर यु बी पी जहाँकि पांच कार्बन विशिष्ट यौगिक अटे ता सहित आम मिसेलु कार्बन डाइऑक्साइड जहाँकि गोटे कार्बन विशिष्ट यौगिक अटे आमको कौन मिलता मन पक आमको कौन मिलता ना दुईट तीन कार्बन विशिष्ट शर्करा तापर आम कौन करूँ या जो समीकरण को आम समतुल करूँ ये पांच कार्बन विशिष्ट आर यु बी पी को आम छईलु आउ कार्बन डाइऑक्साइड को आम छईलु सिक्स सीओ टू बुझीगला तो आम प्रडक्ट पाई बारटी तीन कार्बन विशिष्ट शर्करा बुझीगला ना चलो बर्तमान एति की तुम्हें बुझी जाइ देख ये तीन कार्बन विशिष्ट शर्करा बारटी तीन कार्बन विशिष्ट शर्करा यार पुणी विघटन घटी आउ आम पाइलु ग्लुकोज द्वितीय पर्याय कौन है ग्लुकोज संश्लेषण है माने सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स बुझीगला तृतीय पर्याय को गले तृतीय पर्याय पुणी कौन है ना ग्राहक अणुर पुनरुत्पादन घटला माने आर यु बी पी पुणी आसीगला यही आर यु बी पी पुणी गला सेटिकी कार्बन डाइऑक्साइड सहित मिसिला पुणी तैयारी कला दुईट तीन कार्बन विशिष्ट शर्करा पुणी ग्लुकोज अणु संश्लेषण कला पुणी आर यु बी पी आउ थे उत्पन्न है तो ये बारंबार बारंबार आर यु बी पी उत्पन्न है पुणी जाकि प्रथम पर्याय नियोजित है तो स्ट्रोमारस के आर यु बी पी कमिजी ना बुझीगला ना सब आर यु बी पी रही है ये गोटे चक्राकार पद्धति चलला आउ गोटे वैज्ञानिक जहाँ नाम था मेलभिन केलभिन सी आपको प्रथम थरपाई अवलोकन करते तेणु यो सैकल रहा यो चक्र रहा यह कहगला केलभिन चक्र केलभिन सैकल बुझीगला बास अंधकार प्रक्रिया फिनिश होगा आउ कि ना बुझीगला ना हेलानी तो देख आलोक श्लेषण प्रक्रिया एस तो फिनिश हो जाए कहीं आम ग्लुकोज अणु जहाँ दरकार आमको यहाँ यहाँ आमको दरकार था प्रडक्ट हिसाब से तो ये मिल जाइए आमको बुझीगला ना आउ जहाँ मिलू कि न मिलू तो आमको ग्लुकोज मिल जाइए ना गच्छपाई खाद्य तैयारी बास आउ किसी दरकार ना तो आलोक प्रक्रिया और अंधकार प्रक्रिया दुईटा जाक आम फिनिश हो जाता सहित आम आलोक श्लेषण प्रक्रिया भी पूरा पूरी सरी जाइए आम पूरा कनसेप्ट को बहुत भल भाव आलोचना कर सारी एथ सहित आज क्लास को आम ये रखा धन्यवाद।